कोई लालू का सिंदूर लगा के पहले ही बैठा हुआ मांग फाड़ के, और कोई नरेंद्र मोदी का मांग फाड़ के पहले ही बैठा हुआ है। तो मान न मान मैं तेरा मेहमान, अपने मन मियां मिट्ठू हम चुनाव लड़ जाएं, या उम्मीदवार उसका जो सांसद का है पानी के सवाल पर वोट नहीं मांग रहा है। हमारा PSC बंद है जहाँ डॉक्टर और चिकित्सा सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही लचर है, उस मुद्दे पर चुनाव कोई नहीं लड़ रहा है। देवेश बाबू की हैसियत कहाँ खत्म हो जाती है? 22 साल के MLC साहब, सरकार के इतने पदस्थ लोग, अरे गरीबों के लिए, लाचार के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, आपके जो बाबू लोग ऑफिस में बैठ करके लाल फीता शाही चलाते हैं बगैर घूस दलाली के, कार्यालयों में काम नहीं होता, और थाने में चाहे आप मर जाएं, चाहे आप मिट जाएं, बगैर पैसा दिए हुए FIR दर्ज नहीं होता है, और गरीबों के लिए दो कदम थाना अध्यक्ष नहीं चलता है, वहां आपकी पावर क्यों खत्म हो जाती है? माल गाल पर पटना दिल्ली में टिकट बंटता है और पब्लिक कहती है हम टिकटे को वोट देंगे, तो सीतामढ़ी की पब्लिक जब तक टिकट को वोट करेगी तब तक हमारे जैसा लोग कैसे विधायक बनेगा, कैसे सांसद बनेगा? जो उम्मीदवारी दे रहे हैं यहाँ और बड़ी बड़ी बात बड़ी बड़ी सभाओं में हेलीकॉप्टर लेकर कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि बिहार में सबसे कम मतदान क्यों हो रहा है, हिंदुस्तान में सबसे कम मतदान बिहार में क्यों हो रहा है, कैसी डेमोक्रेसी, ये सवाल कौन करेगा? वो जाति पार्टी धर्म के नाम पर। अभी हम सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ आज बहुत ही खास इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, हमेशा समाज सेवी के लिए जुड़े रहते हैं, सरिता यादव जी हैं। सरिता यादव जी इस बार निर्दलीय ताल ठोकने वाले थे लोकसभा चुनाव में, लेकिन हालात आखिरकार क्या आया, जो निष्कासित हो गया इनका जो कार्यक्रम था। हमारे साथ महेंद्र सिंह यादव जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये बहुत ही पूर्व से समाज सेवा में जुड़े रहे हैं और कई बार प्रतिनिधि के रूप में काम भी किए हैं। सर, उम्मीदवारी रही होने वाली थी, ताल ठोकने वाले थे आप सीतामढ़ी से, क्या मतलब कि ऐसा परिस्थिति बना जो मतलब कि फिर से वो कहा कि नहीं लड़ पाएंगे? पत्रकार बंधु, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का, एक कहावत है देहात में, लोग पहले से ही अपने अपने मांग में दिल्ली पटना के नेताओं के नाम का सिंदूर लगा के बैठे हुए हैं, तो निर्दलीय उम्मीदवार किसके भरोसे चुनाव लड़े? पब्लिक सीतामढ़ी जिला की जाति पार्टी धर्म मजहब जैसे मुद्दों पर वोट करने के लिए आमादा है। हमारा रास्ता थोड़ा सा अलग है, हम सेवा दल के सदस्य हैं, पप्पू यादव जी सेवा दल चलाते हैं, जन अधिकार पार्टी, पप्पू यादव जो परिवार है वो एक सेवा दल है। तो हम लोग अभी भी आप जहाँ बैठे हैं देखिए समरसेबुल बोर्डिंग हल रहा है, विद्यालय में समरसेबुल बोर्डिंग हलवाने आ रहा है, कल रजवाड़ा में बरसों से बंद पड़ा जो PSC है उसको चालू कराने के लिए संघर्ष कर रहे थे, कल फिर हमारा पड़ाव होगा, भिसवा PSC बंद है, कन्हवा PSC बंद है, जहाँ डॉक्टर नहीं आते हैं, लोगों को मेडिकल सुविधा नहीं मिलती है। अभी आग लगा था गाँव में, महेंद्र गोसाई और हरिचंद राय का घर जल गया, उस आग को बुझा के आ रहे हैं, वहाँ अग्निशमन दस्ता बुलाए हैं उसको बुझा के आ रहे हैं। अच्छा। मेरी ज़िंदगी का मकसद है जो समाज के ज़रूरतमंद लोग हैं, जो सफ़रर हैं, जो कष्ट में हैं, उनके लिए खड़ा होना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उनके समस्या को दूर करना, उनके कष्ट में उनके साथ खड़ा होना। हम इस सेवा दल के मेंबर हैं, इस सेवा को जिस दिन सीतामढ़ी की जनता समझ जाएगी कि पप्पू यादव एंड कंपनी सेवा दल है और सेवा चाहिए, तो पप्पू यादव के साथियों के साथ महेंद्र सिंह यादव, सरिता यादव जैसे लोगों के साथ हमको खड़ा होना है। जैसे पूर्णिया में पप्पू यादव को घेरने की कोशिश लोगों ने किया, सभी दलों के जितने बड़े नेता हैं सब ने पप्पू यादव की घेराबंदी की, जैसे महाभारत में कभी अभिमन्यु को घेर करके बद्ध करने की कवायद की गई थी, वैसे ही पप्पू यादव को राजनीतिक रूप से मार देने की कोशिश की गई थी, लेकिन पप्पू यादव को पब्लिक ने मरने नहीं दिया। पप्पू यादव को पब्लिक ने कहा कि आपको लड़ना है तो लड़ना है, निर्दलीय लड़ना है। उन्होंने कहा कि अब सारी परिस्थितियां विपरीत हो गई तो हम चलते हैं, तो सड़कों पर लौट गए हजारों लोग, कहा कि आप नॉमिनेशन करिए, चुनाव पूर्णिया की जनता लड़ेगी। तो मान न मान मैं तेरा मेहमान, अपने मन मियां मिट्ठू हम चुनाव लड़ जाएं, नहीं ऐसा नहीं करना है।
जिस दिन पब्लिक जरूरत महसूस करेगी सीतामढ़ी लोकसभा की कि हमको सरिता यादव महेंद्र सिंह यादव जैसा सेवक सांसद चाहिए जो हमारे जहां बैठे हैं इस इलाके में एक एक बूंद पानी के लिए त्राही माम है। समरसेबुल बोरिंग गड़बा रहे हैं, देख लिए सामने में विद्यालय में, एक एक बूंद पानी के लिए त्राही माम है। आजादी के 77 वर्षों बाद हमारा कोई सांसद या उम्मीदवार उसका जो सांसद का है पानी के सवाल पर वोट नहीं मांग रहा है। हमारा पीएससी बंद है जहां डॉक्टर और चिकित्सा सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही लचर है, उस मुद्दे पर चुनाव कोई नहीं लड़ रहा है। ये जो विद्यालय है यहां पठन पाठन बंद रहता है, उसको लड़ करके सुचारू कराते हैं। हमारे विद्यालय पंचायत में हमारे पास चाबुक है, हम शिक्षकों पर चाबुक चलाते हैं कि आप समय पर क्यों नहीं आते, आप पठन पाठन के काम में क्यों नहीं लगते। तो शिक्षा की व्यवस्था बदहाल है, स्वास्थ्य की व्यवस्था लोगों को उपलब्ध नहीं है, पानी पीने का हमारे पास उपलब्ध नहीं है, सड़क बदहाल है, सिंचाई का संसाधन, मैं जब 91 में विदेश से आया हूँ तो जन सहयोग से करीब 6 किलोमीटर पैरेलल इधर भी और उधर भी जन सहयोग से नहर कोड़वाया हूँ, कच्चा बांध बंधवा करके 5-7 गांव को सिंचाई में देता रहा हूँ। और सरिता यादव जी 2011 में दयानिधान पांडे साहब इस गांव में आए थे, जब इस आदर्श पंचायत के रूप में इस पंचायत की घोषणा हुई तो उन्होंने गोद लिया था इस पंचायत को। तो सरिता यादव जी उस समय जिला पार्षद थी, इन्होंने सवाल उठाया, इनसे पूछा गया कि और क्या चाहिए आपको, इन्होंने कहा कि हमको सिंचाई का सुविधा दीजिए। उन्होंने प्रोजेक्ट बनाकर बिहार सरकार को भेजा, बिहार सरकार ने भारत सरकार को भेजा और पप्पू यादव जी की मदद से तत्कालीन जो भारत सरकार में सिंचाई मंत्री थे उनकी अनुशंसा पर हमको सिंचाई प्रोजेक्ट सुलिस गेट मिला बंजरी के पास रजवाड़ा के नदी पर। उस सिंचाई प्रोजेक्ट से आज भी 2-4 गाँव में यदि धान उपजा है तो उसी सिंचाई प्रोजेक्ट से उपजा है। कहने का मतलब यह है खेत में पानी चाहिए, पीने का पानी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा चाहिए। चाहिए परिवार है, अभी किधर है सुरेंद्र का परिवार जी, जिस दिन इस इलाका की गाड़ी सीधा सीतामढ़ी नहीं जा पाती थी, जब बाढ़ का दिन होता था तो इधर का सारा रास्ता ब्लॉक हो जाता था, नेपाल घुसते थे और मलंगवा होकर सोनबरसा पकड़ के हम लोग सीतामढ़ी जाते थे। कहाँ गई सुरेंद्र की पत्नी, यहीं पर सुरेंद्र मल्लिक है, उसकी पत्नी मरनासन हो गई थी, दूसरा कोई उपाय नहीं था, मैं जिप्सी चढ़ता था उस समय, उसको जिप्सी में लाद करके नेपाल ले जा करके सीतामढ़ी ले जा करके उसकी जान मैंने बचाया था। किसी गरीब को असहज परिस्थिति में पैसे नहीं है, इलाज का बंदोबस्त नहीं है, उसको सुनिश्चित करना, किसी गरीब कमजोर पर कोई मनबढ़ू आतंक सृजन करता है उसमें उसकी हिफाजत करना। इस इलाका में चाहे भिसवा बाजार में डकैती की वारदात रही हो, डकैत के डर से पुलिस भाग जाता है और महेंद्र सिंह यादव सरिता यादव रात के अंधेरे में डकैत का मुकाबला करने के लिए भिसवा बाजार पहुंच जाते हैं। आप लोगों का अखबार लिखता है कि झांसी की रानी की तरह सरिता यादव ने डकैतों का मुकाबला किया जब पुलिस भाग खड़ी हुई थी, इंसास राइफल लेके पुलिस भाग खड़ी हुई थी, पुलिस की गाड़ी सायरन वाली और वो जो उसका लगा रहता है गाड़ी में क्या कहते हैं उसको वायरलेस सेट, वो लगी हुई गाड़ी छोड़ के डकैतों के डर से जब पुलिस भाग खड़ी होती है तो हम डकैतों का मुकाबला करते हैं। सोनबरसा में 2 महीना पहले अपहरण की 2 वारदात हुई है चिल्ड्रा चिल्ड्री गांव में, जिला का कोई नेता जो बड़का बड़का कुर्ता पर हम कुर्तो नहीं देखते हैं क्या पहने हुए हैं, बड़का बड़का इतना बड़ा बड़ा कुर्ता पजामा पहन के लोग घूम रहा है आज। 22 साल से विधान पार्षद मंत्री की हैसियत में और सभापति की हैसियत में अभी हैं देवेश बाबू, स्वनाम धन देवेश बाबू, उनकी आवाज क्यों कुंद हो गई, उन्होंने क्यों नहीं आवाज दिया कि क्यों अपहरण हो रहा है सोनबरसा में। एक तथाकथित विकास पुरुष साहब हैं अर्जुन राय जी, उनको उनके समर्थक विकास पुरुष कहते हैं, उनकी आवाज क्यों कुंद हो गई थी 2009 में सोनबरसा में दरोगा की सरपरस्ती में 1 महीना में 32 अपहरण हुआ था। सरिता यादव महेंद्र सिंह यादव सड़क पर उतरता है, 48 घंटे के अंदर दरोगा को लाइन हाजिर नहीं करेगी सरकार तो हम आत्मदाह करेंगे, सोनबरसा में अनशन पर बैठ गए और 48 घंटा के अंदर उस समय जो थानेदार था जो अपहरण उद्योग का सरगना था उसको लाइन हाजिर करवाने का काम हमने किया। तो अपराधी से लड़ना हो, आज एक कागज का टुकड़ा, आप लोग पत्रकार बंधु हैं,
जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र दाखिल खारिज, एक कागज का टुकड़ा ऑफिस में कोई लेने के लिए तैयार है बगैर घूस दलाली के? ये देवेश बाबू की हैसियत कहाँ खत्म हो जाती है? 22 साल के MLC साहब, सरकार के इतने पदस्थ लोग, अरे गरीबों के लिए, लाचार के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, आपके जो बाबू लोग ऑफिस में बैठ करके लाल फीता शाही चलाते हैं बगैर घूस दलाली के, कार्यालयों में काम नहीं होता, और थाने में चाहे आप मर जाएं, चाहे आप मिट जाएं, बगैर पैसा दिए हुए FIR दर्ज नहीं होता है, और गरीबों के लिए दो कदम थाना अध्यक्ष नहीं चलता है, वहाँ आपकी पावर क्यों खत्म हो जाती है? तो ये व्यवस्था किसके लिए है? थाना ब्लॉक से लेकर के, अंचल से लेकर के, और तमाम सरकारी कार्यालय कलेक्शन सेंटर हो गया है। पब्लिक को लूटो, गरीबों को लूटो, और उसका हिस्सा MLA MP को दे दो, सरकार के उच्च पदस्थ जो लोग हैं उनके पास पहुंचा दो। यही लोकतंत्र है, यही डेमोक्रेसी है बिहार में। आखिरकार सर कौन विकास कर पाएंगे? इतने सारे उम्मीदवार हैं लोकसभा खूब। सर जनता जिस दिन समझेगी कि उसका सेवक कौन है, उसके साथ दुख दर्द में कौन खड़ा होता है, उनके मुद्दों पर कौन दहाड़ता है, जब रात के 12 बजे 1 बजे डकैत घर में घुसता है, माँ और बेटी का बलात्कार एक बिस्तर पर करता है वो गिरोह, और थाना पहुंचता है सशस्त्र बल सैफ जवानों के साथ, इंसास राइफल के साथ, 2 मिनट के बाद एक सुतली बम जब डाकू फेंक देता है तो पूरा पुलिस टीम भाग के 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर परसा चौक चला जाता है, और सरिता यादव, महेंद्र सिंह यादव जान पर खेल कर उस डाकू से लड़ने के लिए पहुंच जाता है बिस्वा बाजार। अब मीडिया वाले लिखते हैं कि झांसी की रानी की तरह से सरिता यादव, महेंद्र सिंह यादव मुकाबला करता है डकैत का और भगाता है। खैरबा में 7,48,000 रुपया मास्टर साहब खा गए बच्चों की छात्रवृत्ति का, और बच्चों ने छात्रवृत्ति मांगा तो 70,000 का मोटरसाइकिल उस समय के जो मुखिया जी थे उसको खरीद के दे दिया मास्टर साहब। 25,000 रुपया प्रिय रंजन दरोगा को दे दिया कि बच्चों पर लाठी चलाइए तो पैसा हम पचा पाएंगे, और बच्चों पर लाठियां चलाई गई बेरहमी से। खैरबा गांव बगल नदी के उस पार खैरबा गांव है, हमारा मलाही है वो खैरबा मलाही है, सूचना मिलती हम जाते हैं, बच्चों पर लाठियां चली, गार्जियन सामने आया उन पर लाठियां चली, पुलिस और पब्लिक में भिड़ंत हो गया, एक बड़ी वारदात हो गई। 8 साल से 11 साल के 14 बच्चे हथियार छीनने के चार्ज में उग्रवादी दफाओं में नामजद कर दिए गए। 8 साल का बच्चा विकास पासवान का जांग टूटा पुलिस की लाठी से, और पूरे गांव के 500 से ज़्यादा लोगों को नामजद कर दिया गया, और पूरी बस्ती खैरवा की खाली हो गई। हम पहुंचते हैं और SP से बात करते हैं कि ये क्या हालात है, 1200 पुलिस को कूच कर दिया कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए भिस्वा खैरवा के लिए। तत्कालीन SP ने कि हमारे पुलिस को मारा है, हम अकील सिखाएंगे, कोई बक्सा लेके भाग रहा था तो कोई बकरी लेके भाग रहा था, हम ढाल बन गए। हमने कहा SP साहब ये काम आप नहीं कर सकते हैं, आपकी पुलिस ने जाति किया है, हमारे छोटे बच्चों का अपराध यह है कि उन्होंने छात्रवृत्ति की राशि मांगा है, आपकी पुलिस ने उस पर लाठियां बरसाई है, और उनके माँ बाप जब बचाव में आए हैं तो आपकी पुलिस उनको भी नहीं बख्शी और 2 राउंड फायर भी किया है, तो आपकी पुलिस के वहशीपन के कारण से ये त्रासदी हुई है। आप पुलिस को दंडित करिए, पब्लिक को आप दंडित नहीं कर सकते। आप ये कॉम्बिंग ऑपरेशन करा करके क्या साबित करना चाहते हैं? क्या ये नक्सलाइट बेल्ट है? ये सीधे सच्चे जो शांत लोग हैं खैरवा मलाही इस इलाके के, उनके खिलाफ आप 1200 फोर्स को उतार कर क्या साबित करना चाहते हैं? आप यदि इस गांव में आते हैं कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए तो मेरे लाश से आपको गुजरना पड़ेगा। कहा महेंद्र जी किसी नेता को कोई मतलब नहीं है, आपको क्या पड़ी है? हमने कहा कि मैं नेता नहीं हूँ, मैं इस गाँव का बेटा हूँ। आप जब 1200 फोर्स को इस गाँव में कॉम्बिंग ऑपरेशन से के लिए भेजेंगे तो मेरे लाश से के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। तो मुझे SP ने कहा कि बोड़ा में कस के लाश आपका भेजवा देंगे, आप तैयार रहिएगा। और हमने 500 बच्चों को लेकर कूच कर दिया थाना को घेरने के लिए। हमने कहा कि ठीक है, हम तैयार हैं, हम बोड़ा में कसाने के लिए तैयार हैं। इन बातों को जिस दिन पब्लिक याद रखने लगेगी ना, उस दिन जो ये नकली जो नेता लोग हैं जो जाति पार्टी धर्म के नाम पर टिकट ले लेकर के बटरिंग करके पटना दिल्ली बॉम्बे में बटरिंग करके टिकट लेते हैं, इन सब की दुकान बंद हो जाएगी। हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यहाँ की पब्लिक भी पूर्णिया की तरह से समझे अपने सेवक को। पूर्णिया की पब्लिक के कान में पप्पू यादव को समझ गई थी,
पूर्णिया की पब्लिक जौहरी है, इसलिए वो हीरा को परखती है। यहाँ के पब्लिक के पास वो हुनर नहीं है कि असली नकली को पहचान सके, इसलिए पानी के लिए भी त्राहीमाम है, दवा के लिए भी त्राहीमाम है, अपराध की घटनाओं में भी त्राहीमाम है, और जब समरसेबुल करने आता है इसका भी विरोध होता है, बिजली लगाते हैं उसका भी विरोध होता है, गांव में नाला की योजना चालू स्कीम है उसका भी विरोध होता है। जो भी विकास का काम हम यहाँ करना चाहेंगे, हर विकास के काम में जो विकास के दुश्मन हैं, यहाँ के जो MLA MP हैं, उनके जो चट्टे बट्टे हैं, सब मिलके विकास में रोड़ा अटकाएंगे, ताकि महेंद्र सिंह यादव, सरिता यादव कुछ अच्छा काम कर देंगे तो इनका तो बड़ा नाम शोहरत हो जाएगा। किसी गरीब को आज अस्पताल में इलाज कराना हो और बड़ा बिल उनको आ जाएगा 25,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 का, तो सबसे पहले याद करता है महेंद्र सिंह यादव, सरिता यादव को। किसी को पटना IGMS में और PMCS में और दिल्ली एम्स में इलाज कराना होगा सीतामढ़ी जिला में, तो महेंद्र सिंह यादव को याद करेंगे, सरिता यादव को याद करेंगे कि इन लोगों के मार्फत हम जाएंगे तो हमको कुछ राहत मिल जाएगी, कुछ मदद मिल जाएगी, नंबर जल्दी लग जाएगा। तो ये सब जो परिस्थितियां हैं, पब्लिक जब तक मुद्दों पर नहीं आएगी, जब तक अपने दुख सुख के साथी को, अपने दुख सुख के नेता को पब्लिक नहीं पहचानेगी, जब तक जाति के नशे में, धर्म के उन्माद में पब्लिक वोट करेगी, जो टिकट लेके चला आया उसी को वोट देंगे। तो टिकट पटना दिल्ली में बिकता है यार, कोई माल पहुंचा के टिकट लेता है, कोई गाल दिखाकर वोट टिकट लेता है, तो माल गाल पर पटना दिल्ली में टिकट बटता है और पब्लिक कहती है हम टिकटे को वोट देंगे। तो सीतामढ़ी की पब्लिक जब तक टिकट को वोट करेगी तब तक हमारे जैसा लोग कैसे विधायक बनेगा, कैसे सांसद बनेगा। अच्छा, इतने सारे समाज सेवी काम आपका रहा है, आपने अनगिनत काम गिनवाया है, बहुत सारा काम हमने सुना है, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा में थोड़े गिना सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने बहुत सारा रिकॉर्ड हो गया है, क्योंकि इतने सारे चीज हम भी जानते हैं आपके बारे में। लेकिन सर, जिस तरीके से जो देश में चुनाव हो रहा है, उधर मोदी जी इधर राहुल जी, क्या आपके तरफ से इतने किधर सपोर्ट रहेगा? हालांकि इधर पप्पू यादव के आप समर्थन में रहे हैं, पप्पू यादव के पार्टी भी विलय हो गया, उसमें आप वर्क भी किए थे, लेकिन अब पप्पू यादव जी का बयान आ रहा है कि हम उनके मीसा भारती बेटी है जो लालू यादव, जो खूब ज़्यादा कटाक्ष हुआ था तेजस्वी जी पे, लेकिन अब वो लालू परिवार को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी का बड़प्पन है कि उनका एहसास जो जाति किया उसको वो माफ़ करके उस पर दया दिखला रहे हैं, ये तो उनका बड़प्पन है, बड़ा दिल है उनका, इसका जवाब तो पप्पू यादव दे सकते हैं। लेकिन मैं जितना समझता हूँ कि उनके मन में कोई ईर्ष्या द्वेष और अदावत का भाव नहीं है किसी के प्रति, ये उनका बड़प्पन है कि उनका जिसने नुकसान भी किया, जिसने उसको गला दबा के राजनीतिक हत्या करने का हर जतन किया, उनको हराने के लिए NDA तक का वोट मांग दिया, लालू जी का लड़का तेजस्वी यादव, खुले मन से मांग दिया, मैं तो था वहाँ, उस सभा में था मैं, तो तब भी वो उदार हैं और कहते हैं हम दोनों बहनों को जिताने के लिए प्रयास करेंगे। तो ये पप्पू यादव का बड़ा दिल है, इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। रही बात मोदी जी का, लालू जी का, नीतीश जी का, तो ये सारे सत्ता के सौदागर हैं, ये सत्ता के लिए किसी हद तक जाएंगे, इनके पास समाज के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, ये लोग जाति पार्टी धर्म का गोली खिला करके, नशा खिला के समाज को उन्मादित करके ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, किसी के पास धर्म का नशा है तो किसी के पास जाति का नशा है, और उसमें ये हिंदुस्तान जब तक बहेगा तब तक इसका भलाई नहीं होने वाला है। मैं उदाहरण देना चाहूँगा, लालू जी की बेटी एक सिंगापुर से आके चुनाव लड़ रही है, 1965 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर की पहचान बनी थी, LKY करीब 30 वर्ष तक, हमको लगता है 1959 से लेकर 90 तक LKY एक नेता उनके हुए, प्रधानमंत्री हुए, जिन्होंने विकसित सिंगापुर का एक पूर्वाधार तैयार किया। आज सिंगापुर के एक सिंगापुरियन की जो औसत आमदनी है, वो एक भारतीय के औसत आमदनी से 32 गुना ज़्यादा है। विश्व में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय सिंगापुरियन का है। 1991 में सिंगापुर में मैंने 90 में देखा था 16 मंजिल फ्लाईओवर जो विभिन्न टापुओं से आके जुड़ता था, वो एक जंक्शन था 16 स्टोरीड, जहाँ की नो हॉर्न जोन 1989-90-91 में भी था। एक व्यक्ति बस को चलाता था और टोकन डालने से उसको टिकट मिल जाता था, और जैसे आज हमारे मेट्रो में सिस्टम है कि जहाँ आपका डेस्टिनेशन है उससे पहले बोल देता है आवाज़ कि आपको फलान जगह पहुंच गया, आप उतर जाइए। तो इतना सिस्टमेटाइज और इतना जीवन स्तर ऊंचा
और पर कैपिटा इनकम ऊंचा वाला सिंगापुर कौन बनाया? एक व्यक्ति ने बनाया, LKY। हम भारत की चर्चा करें तो पंजाब को विकसित राज्य बनाया प्रताप सिंह कैरो ने, तमिलनाडु को आज का जो विकसित तमिलनाडु है जहाँ के हमारे बच्चे रोजगार के लिए जाते हैं आज, पलायन करते भी, यस यस, उस तमिलनाडु को के कामराज ने बनाया, बिहार को कोई बनाएगा कि नहीं बनाएगा? आज सबसे बड़ा सवाल इन नेताओं से पूछिए जो उम्मीदवारी दे रहे हैं यहाँ और बड़ी बड़ी बात बड़ी बड़ी सभाओं में हेलीकॉप्टर लेकर कर रहे हैं, उनसे पूछिए कि बिहार में सबसे कम मतदान क्यों हो रहा है, हिंदुस्तान में सबसे कम मतदान बिहार में क्यों हो रहा है? चूंकि आधी से भी कम हमारे पेट की आग के मारे गरीब बिहारी दूसरे राज्यों में रोटी कमाने के लिए जा चुके हैं, उनके लिए रोटी महत्वपूर्ण है, नहीं कमाएंगे तो क्या खाएंगे, बच्चों को कैसे पालेंगे? ये सवाल उन बड़े बड़े नेताओं से पूछिए जो दिल्ली में बैठ के बड़ी बात कर रहे हैं, पटना में बैठ के बड़ी बात करते हैं, हेलीकॉप्टर से उतर के बड़ी बड़ी बात करते हैं, उनसे ये बिहार की पब्लिक क्यों नहीं पूछती? क्या आजादी के 77 वर्षों बाद भी बिहारी नाम गाली क्यों है? आज भी बिहारी अन्य राज्यों में जाके गाली खाने के लिए, मार खाने के लिए, लात जूते खाने के लिए, जान गंवाने के लिए मजबूर क्यों है? आज इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित बिहारी क्यों नहीं कर पा रहा है? उसको पेट की आग जो है, पेट की आग, भूख की जो ज्वाला है, मजबूर कर रहा है कि यदि तुम यहां रह जाओगे तुम्हारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये डेमोक्रेसी है क्या? ये कौन कहता है डेमोक्रेसी है बिहार में? जब देश में आधी आबादी मतलब कि वोट देने ना जाए तो डेमोक्रेसी शायद नहीं है। ये कैसी डेमोक्रेसी? ये सवाल कौन करेगा? वो जाति पार्टी धर्म के नाम पर कोई लालू का सिंदूर लगा के पहले ही बैठा हुआ मांग फाड़ के, और कोई नरेंद्र मोदी का मांग फाड़ के पहले ही बैठा हुआ है, उससे क्या अपेक्षा करें कि ये सवाल उठाएंगे? हम उनकी आवाज बनना चाहते हैं, हम उनकी आवाज बन करके उनको दुनिया के मुख्यधारा से जोड़ना चाहते हैं, और वो पहले ही मांग फाड़े हुए हैं कि कभी लालू का तो कभी नीतीश का सिंदूर लगाए हुए हैं, तो हमको क्या करना है? हम तो अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेंगे ना। जिस दिन उनको यह महसूस हो जाएगा कि ये सारे डपोर संख लोग हमारी अपेक्षाओं पर खड़ा नहीं उतर पा सकते हैं, हमारे दर्द की दवा नहीं है, जैसे पूर्णिया के लोगों ने 1991 में रियलाइज किया, 1990 में निर्दलीय एमएलए बने पप्पू यादव, 91 में निर्दलीय एमपी बने, 96 में एमपी बने समाजवादी पार्टी से, जिसका कोई बिहार में आज भी नहीं है, कल भी नहीं था, और 99 में फिर सांसद बने उसी पूर्णिया की जनता। हम जब गए उनके बीच में पप्पू यादव की चर्चा करने तो कहा पप्पू यादव हमारा भगवान है, पप्पू यादव हमारा भगवान है, पप्पू यादव हमारे दुख दर्द की दवा है, पप्पू आएगा तो सस्ता इलाज मिलेगा, पप्पू आएगा तो हमारे साथ कोई जाति नहीं करेगा, पप्पू आएगा तो हमारे इस पूर्णिया में सड़क का संजाल बिछेगा, रेलवे से कटे हुए वो हमारा काम होगा, ये पब्लिक बोलती थी। पूर्णिया का लोकसभा चुनाव पब्लिक लड़ी है, पप्पू यादव नहीं लड़े हैं। तो जिस दिन सीतामढ़ी की पब्लिक ये समझ जाएगी कि सरिता यादव महेंद्र सिंह यादव से हमारी उम्मीदें जुड़ी है और उनसे हमारी उम्मीदें पूरी होगी। लेकिन इतने बड़े मजबूत नेता है सीतामढ़ी के, लेकिन आपको जब उम्मीदवारी आपने वापस ले लिया है कि अब नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर भी जो मुख्य काम है सीतामढ़ी का, बहुत सारा काम नहीं हुआ है, जो मुख्य काम है, जो मुख्य धारा का जो काम हो सकता है, उसके लिए क्या ओपिनियन हो सकता है? क्योंकि आप चुनाव में है नहीं, फिर भी आप एक नेता की तरह आप बात करें तो जनता के लिए क्या होना चाहिए सीतामढ़ी? भाई मेरे, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। मैं तो कहा PSC जितना बना है, रजवाड़ा पुरंदहा का PSC बंद है, भिसवा का PSC बंद है, कन्हवा का PSC बंद है, जितने PSC है वो क्यों बंद है? वहाँ डॉक्टर क्यों नहीं? वहाँ मेडिकल चेकअप की व्यवस्था क्यों नहीं? वहाँ लैब क्यों नहीं? वहाँ दवा की व्यवस्था क्यों नहीं? ये विद्यालयों में पठन पाठन का माहौल क्यों नहीं है? हिंदुस्तान में केजरीवाल ने करके दिखाया है ना दिल्ली में, और रोल मॉडल है ना केजरीवाल ने, दिल्ली में विद्यालय और स्वास्थ्य की व्यवस्था बेहतर करके साबित किया है ना कि ऐसा किया जा सकता है, इसीलिए केजरीवाल जेल में है। केजरीवाल लीक से हटके क्रांतिकारी का काम किया, इसलिए चुनाव के मौसम में उसको जेल में बंद किया गया है कि यदि ये फ्लरिश करेगा, दो स्टेट में तो इसका कदम पहुंच गया, यदि इस तरह से राजनीति करके अपना संदेश पूरे देश में देगा तो ये डपुर संघ नेताओं का तो बोलती बंद करा देगा, सबकी दुकानें बंद करा देगा। तो महेंद्र सिंह यादव को ही बंद किया जाता है, सरिता यादव को ही बंद किया जाता है, जो भी आवाज़
जनता की होगी, जो भी आवाज जनता के दुख दर्द की उठाएगा उसको जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो उच्च पदेन लोग हैं, वो तमाम लोग मिलके घेरेंगे और उसको चाहेंगे कि इसकी आवाज को कुंद किया जाए। उनकी पोल सारण में पप्पू यादव, कोरोना टाइम में डॉक्टर ने कहा कि रेमडेसिविर नहीं है, ऑक्सीजन हमारे पास नहीं है, सरकार के अस्पताल हाथ खड़ा कर दिया, सरकार ने हाथ खड़ा कर दिया, पप्पू यादव ऑक्सीजन उपलब्ध कराते हैं, रेमडेसिविर दवा उपलब्ध कराते हैं। जब बाप से बेटा ने नाता तोड़ लिया और बेटा से बाप ने नाता तोड़ लिया, बेटा के लाश को बाप छूने के लिए तैयार नहीं था और बाप के लाश को बेटा छूने के लिए तैयार नहीं था, तो पप्पू यादव किसी का बेटा किसी का बाप बन के सब हर लाश को ठिकाने लगाया कि नहीं लगाया? देखा था आपने प्रयागराज में कैसे लाश फेंक दिया जाता था नदियों के किनारे? तो पप्पू यादव किसी का भाई बन के किसी का बेटा बन के किसी का बाप बन के हर लाश को ठिकाने लगाया, जिसको दवा उपलब्ध नहीं थी निजी हैसियत से दवा उपलब्ध कराया, जो बिहारी अदर स्टेट्स में लाखों की तादाद में फंस गए थे, जो एक एक दाने के लिए मोहताज थे, फैक्ट्री वालों ने मजदूरों को निकाल दिया, मकान मालिक ने बिजली काट दिया, पानी सप्लाई बंद कर दिया कि भागो, और बिहार के जो राजा थे नीतीश बाबू, उन्होंने कहा कि कोई बिहारी बिहार में टपना नहीं, जो जहां वहीं रुको, हम बिहार में घुसने नहीं देंगे। याद करिए रायबरेली का प्रसंग, जब मजदूर पैदल पांव आ रहे थे तो रायबरेली जिला प्रशासन ने चिकनगुनिया का जो पेस्टिसाइड होता है वो मजदूरों पर छिड़काव कर दिया था। कितने लोग आइसोलेशन में क्वारंटाइन के नाम पर मर गए, जिनका लाश सड़ा हुआ निकला बाद में, व्यवस्था सरकार के पास नहीं थी। आज थाली पिटवा के ताली पिटवा के दिवाली मना के अपने जवाबदेही से भागने की कोशिश की भारत के हुक्मरानों ने, और गलत वैक्सीन श्रेय लेने के लिए कि हम वैक्सीन दे रहे हैं, लोगों को ठुकवा दिया जबरदस्ती, कंपेल करके बाध्य करके, आज वो ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक का कारण बन रहा है। मतलब आप भी इस बात को मानते हैं? अरे मैं नहीं मानता, मेडिकल साइंस मानता है, ये मेडिकल साइंस इसको प्रूफ कर रहा है, तो मैं क्यों नहीं मानूं? हार्ट अटैक तो रोटी से भी होता है। अरे भाई मेडिकल साइंस जो पोस्टमार्टम कर रहा है, मेडिकल साइंस जो मेडिकल बुलेटिन जारी कर रहा है, वो बताता है ना कि ये किस कारण से कॉज हुआ, उसका डायग्नोसिस होता है ना जी। अनऑथराइज क्लेम यदि कोई कर देगा, वो कोविशील्ड का जो एक्सपेरिमेंट किया गया है तो आया है ना बात कि इससे ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक हो सकता है। उस समय भी हुआ था, बहुत सारा केसेस सामने आया था कि कोविशील्ड लिया आदमी मर गया, तो उस समय ये जस्टिफाई नहीं हो सका था, कहा कि चलो उसको कोई भयंकर बीमारी रही होगी इसलिए हो गया होगा, या कोरोना का असर रहा होगा इसलिए होगा। आज उस दवा का जो साइड इफेक्ट सामने आ रहा है तो मेडिकल साइंस को जस्टिफाई कर रहा है कि कोविशील्ड हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज का कारण हो सकता है। तो ये सब जो परिस्थितियां हैं, तो पब्लिक को आप दांव पर लगा करके, पब्लिक को आप बर्बाद करके, उसको कष्ट में डाल करके और सत्ता में बने रहना चाहते हैं। सत्ता शासन और डेमोक्रेसी क्या है? ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट एंड बाय ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, ये डेमोक्रेसी क्या है? ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, पब्लिक का है, पब्लिक के द्वारा है और पब्लिक के लिए है। जब ये व्यवस्था पब्लिक के लिए नहीं रही, चंद लोगों कि सुख सुविधाओं के लिए हो गया, ये चंद लोगों के ऐश आराम का और अय्याशी का जरिया हो गया सत्ता शासन, तो ये व्यवस्था तो बेहतर व्यवस्था नहीं कही जाएगी ना। चलिए सर, एक और सवाल रहेगा आपसे कि पप्पू यादव थोड़ा सा मन बन गया है लालू परिवार को सपोर्ट करने का, लेकिन सीतामढ़ी से जो अभी RJD से अर्जुन राय जी है और इधर NDA समर्थित है उम्मीदवार, तो यही दो लोग का अभी चल रहा है, तो इन दोनों लोगों में से किधर पक्ष रहेगा, किधर सपोर्ट कर पाएंगे? हमारे नेता पप्पू यादव जी हमको निर्देशित करेंगे कि आप इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करिए, तो हम भी करेंगे, उनके लिए प्रचार भी हम करेंगे। हमारे नेता पप्पू यादव जी हैं, वैसे व्यक्तिगत स्तर से केहू हो नृप हमें कहानी, चेरी छोर हो की रानी, हमारे लिए एक नागनाथ है एक सापनाथ है। हमारी परिभाषा में हमारे लिए कोई भी उपयुक्त नहीं है, कोनो ही जनता की अपेक्षाओं में खड़ा उतरने वाले नहीं है। एक ऑप्शन नोटा का भी है, आप नोटा दबाएंगे? मैं ये अपना निर्णय नहीं सुना रहा हूँ आपको,